हमारे साथ अब सोभा डेवलपर्स की मैनेजमेंट जुड़ी है, जेसी शर्मा साहब जुड़े हैं वीसी एंड एमडी सोभा डेवलपर्स के। सब बहुत शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए। सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा आपसे कि बिक्री के मोर्चे पर कंपनी का प्रदर्शन अच्छा रहा है, चौथी तिमाही में बॉटम लाइन ग्रोथ किस तरह का रहा है, आगे किस तरह का प्रदर्शन देखने की उम्मीद है सर? देखिए, जहाँ तक क्वार्टर फोर की जो हमारी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस रही है वो पिछले तीन क्वार्टरों के मुकाबले में सबसे बेहतर रही है। हमारा एवरेज प्राइस रियलाइजेशन भी इम्प्रूव हुआ है और हमारा वॉल्यूम्स भी इम्प्रूव हुआ है। बेंगलोर के अंदर में हमने इस साल जो है क्वार्टर में भी और अदरवाइज पूरे साल में भी जो है सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, डिस्पाइट ओवरऑल मार्केट सिनेरियो जो है काफ़ी टफ था। हम मानते हैं कि जो है मार्केट सेंटिमेंट तो ओवरनाइट नहीं बदलेगा, बट चूंकि एट ऑल लेवल्स अच्छी चीज़ें शुरू होनी हो गई है, कहीं पर जॉब ग्रोथ सर्विसेज सेक्टर में जो कि आपको ऑफिस स्पेस अब्जॉर्प्शन से पता चल रहा है, कहीं पर आप देख रहे हैं इंटरेस्ट रेट्स कम होना शुरू हो गया है, कहीं पर सप्लाई कम होनी शुरू हो गई है। ऑन टॉप ऑफ दिस जो रेरा एक्ट भी जो है अब उसका इम्प्लीमेंटेशन इस साल में शुरू हो जाएगा, इन सब चीज़ों से जो है कस्टमर्स को काफ़ी हद तक कंफर्ट मिलेगा और उससे जो है डिमांड रिवाइवल होने की पूरी गुंजाइश है। और हम मानते हैं कि जो चौथे क्वार्टर की परफॉर्मेंस है इस साल के अंदर में उसका जो ग्रोथ मोमेंटम जो शुरू हुआ मेंटेन रहेगा और 16-17 का साल 15-16 के मुकाबले में काफ़ी बेहतर होने की संभावनाएँ हैं। राइट सर, FY17 में नए लॉन्च की क्या योजना है कंपनी की, और साथ ही साथ कमर्शियल और रेजिडेंशियल सेगमेंट में कंपनी का क्या प्लान है ये बताएं सर? देखिए, 3.5-3 मिलियन स्क्वायर फीट के आसपास तो एक बड़ी लॉन्च जो है हमारी कोचीन में होएगी, वो इस क्वार्टर के अंत तक या अगले क्वार्टर में जो है लॉन्च हो जाती है कर है। एक हमने सॉफ्ट लॉन्च पिछले क्वार्टर में गुड़गांव में करी है 3.25 मिलियन स्क्वायर फीट की, उसकी भी फॉर्मल लॉन्च इस क्वार्टर के अंदर में हम कर पाएंगे। तो ये दो तो बड़ी लॉन्चेज है, इसके अलावा मैसूर के अंदर में, बेंगलोर के अंदर में, चेन्नई के अंदर में भी जो है हमारे कुछ नए प्रोडक्ट्स के लॉन्च होने की पूरी संभावनाएं हैं। तो इस तरह से लगभग जो है 10 मिलियन स्क्वायर फीट की न्यू लॉन्चेज वित्तीय वर्ष 16-17 में हम कर पाएंगे और उससे भी कुछ सेल्स मोमेंटम का फ़ायदा मिलना चाहिए। मैं एक बात और भी कहूँगा कि बेंगलोर जहाँ तक है वो इस साल भी अच्छा करेगा और बेंगलोर के बाहर शोभा जो है इस साल जो है पहले सालों के मुकाबले में काफ़ी हद तक अच्छा करने की तैयारी में है। राइट सर, इनफैक्ट ये जो RBI रीसेंट पॉलिसी थी उसमें जो रेट कट हुई उससे आप किस तरीके के वॉल्यूम ग्रोथ देखते हैं, क्या उम्मीद है आपकी और सेक्टर को इस रेट कट का फायदा क्या होते देखते हैं आप? जो RBI और भारत के सरकार ने मिलकर एक लोअर इंटरेस्ट रेजिम में जाने का जो निर्णय लिया है, हमारे हिसाब से रियल एस्टेट इंडस्ट्री इससे सबसे अधिक लाभान्वित होएगी, क्योंकि सभी आज जो है 60-70% जो इंडियन कंज्यूमर्स हैं वो बोरोविंग्स में जाते हैं और ये बोरोविंग्स उनकी 15-20 साल की होती है। तो अगर आज 1% अगर इंटरेस्ट रेट कम होती है तो आप मान के चलिए पर 100,000 स्क्वायर फीट उसकी जो है EMI 1,000 रुपये की जगह 900 रुपये हो जाती है, उसको 10% का जो है EMI कम देना पड़ता है। पिछले 2 सालों में ऑलरेडी जो है 1.75% के आसपास की जो है कमी तो हो चुकी है। अब जिस तरह से ट्रांसमिशन होना शुरू हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ बेस रेट लेंडिंग मार्जिनल जो कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट्स जो है 1 अप्रैल से शुरू हो गई है, 25 बेसिस पॉइंट RBI ने रेट कट और भी कर दी है, लिक्विडिटी इम्प्रूवमेंट होने की गुंजाइश काफ़ी बढ़ गई है क्योंकि भारत सरकार की जो बोरोविंग्स है इस साल कम रहेगी, इन सब का फ़ायदा हम तो मानते हैं रियल एस्टेट डायरेक्ट बेनिफिशियरी होती है और उससे डिमांड के अंदर में जो एक कोरिलेशनशिप है वो काफ़ी हद तक जो है सेंटिमेंट्स को इम्प्रूव करने में और एक्चुअल एलिजिबिलिटी के अंदर में आपको दिखाई देना चाहिए 2nd क्वार्टर ऑनवर्ड से। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए।